में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस पर पाकिस्तान की तारीफ करने का आरोप लगाया और कहा कि जो बोली पाकिस्तान और अलगाववादी बोलते हैं वही बोली कांग्रेस के नेता भी बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो मुझे तो लगता है कि इन्होंने देशद्रोही काम का जिम्मा संभाल लिया, एकदम देश के खिलाफ काम करने का। समझ में नहीं आता कांग्रेस पार्टी की बात। एक तो जनता ने नकार दिया है, दूसरा गवर्नेंस के बारे में बोलने के लिए इनके पास कुछ रह नहीं गया है, ये कुछ बोल नहीं सकते। अब ये सिर्फ यही करते हैं कि देश के विरोध में जितनी भी बातें हम उसको बोलते रहते हैं, और एक नहीं अनेक बार बोलते हैं, और एक नेता नहीं बोलता अनेक नेता बोलते हैं। आप बताइए, राहुल गांधी ने COVID-19 के बारे में पाकिस्तान की तारीफ की कि नहीं की? जब दुनिया भारत के बारे में तारीफ कर रही थी, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस भारत की तारीफ कर रहा था, जब UN का सेक्रेटरी जनरल भारत के आत्मनिर्भर की तारीफ कर रहा था, भारत के गरीब कल्याण पैकेज की तारीफ कर रहा था, तो राहुल गांधी पाकिस्तान की डबली बजा रहे थे। लेकिन ये लोग धारा 370 वापस लाएंगे। अरे जो अलगाववादी बोलते हैं, जो भाषा पाकिस्तान बोलता है वही भाषा तुम बोल रहे हो, क्या हो गया? बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने भी शशि थरूर के बयान के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने शशि थरूर पर पाकिस्तान की तारीफ करने का आरोप लगाया। आपने कांग्रेस के एक नेता का बयान पढ़ा होगा, अभी कांग्रेस के एक नेता का बयान आपने पढ़ा होगा, अभी वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे। क्या पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए? क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए? पाकिस्तान आपका हितैषी है, फिर कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? पाकिस्तान के मुद्दों पर बीजेपी के हमलों से बौखलाई कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी नेताओं के बयानों को मुद्दों से भटकाने की कोशिश बता दिया। बिहार की भाजपा और जदयू बिहार के किसी मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ेगी। मैं आपको याद दिलवाता हूं, पिछली बार अमित शाह जी ने कहा था बिहार की धरती पर कि अगर नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। क्या आपने कभी पूछा पाकिस्तान में पटाखे चले के नहीं चले? अब आए तो जरूर पूछिएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, शमशान कब्रिस्तान करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, उग्रवादी करेंगे, परंतु बिहार में युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? बिहार में खेती की तरक्की कैसे होगी? बिहार के किसान का मक्का और धान जो 1200 पे पिटता है वो 1888 में कैसे मिलेगा? मक्का जो 700 में पिटता है उसकी 1750 कीमत कैसे मिलेगी? गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा? खेत को बिजली और पानी कैसे मिलेगा? उद्योग और धंधा कैसे लगेगा ये नहीं बताएंगे। आरजेडी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने भी जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने बिहार चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र करने के लिए दोनों नेताओं पर निशाना साधा। इनको बोलने का मुंह है, इनके मुंह पर जो है कालिख लगा हुआ है, कोई बोलने का मुंह नहीं है। और चुनाव हो रहा है बिहार में, भाषण कर रहे हैं बिहार में, पानी पड़ रहा है रांची में और छाता लगा रहे हैं कराची में। बार है बाप बीजेपी, यही काम आप करके जो है देश में जो है तबाही मचाने का काम किए हैं। अब वो तबाही और बर्बादी वाला देश नहीं है, और बिहार जो है बड़े से बड़े लोग को पहचानता है, उड़ती चिड़िया को जो है चूना लगाने काम करता है, तो ये लोग किस खेत के मूल्य। वहीं जेडीयू नेता मेवालाल चौधरी ने पाकिस्तान की तारीफ के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ के हमले को सही ठहराया और कहा कि कांग्रेस का इतिहास सभी लोग जानते हैं। योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने रैली की है और कहा है कि पाकिस्तान की बोली बोल रहा है कांग्रेस। पता नहीं, मैं आप कांग्रेस की इतिहास आप लोग बड़े अच्छी तरह से जानते हैं और हमें नहीं लगता है कि इतने बड़े नेता अगर इस बात को बोल रहे हैं तो हम लोग इस पर कोई कमेंट करें। वो बड़े बड़े नेता हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारे पूजनीय हैं और कुछ हद तक
बात थोड़ी बहुत सही तो है ही, और अगर बड़े नेता इस बात को कह रहे हैं तो इसको कोई डिनाई नहीं करेगा। कुछ चीज़ें हैं और हमने भी बहुत सारे स्टेटमेंट पढ़े हैं लोगों का। ये सब मुद्दा क्या जमीन पर ग्राउंड पर काम करेंगे, लगातार ग्राउंड पर बिल्कुल बिल्कुल लोगों को समझना है, लोगों को समझने की बात है। क्या हम वैसा मुल्क बनाना चाहते हैं जिस मुल्क में सिर्फ गोली बारूद की ज़रूरत है, या वैसा मुल्क हम बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ कलम की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है? क्या हम विद्या का मंदिर बनाना चाह रहे हैं या वैसा मंदिर बनाना चाह रहे हैं जहाँ गोली बंदूक रखा जाए? और इस बात को हमारी जनता बहुत भली भांति समझती है, और हमें पूरा विश्वास है कि समय आने दें, इसका जवाब जनता देगी। और हम लोग क्या, जनता हर बात को समझती है। गुजरात के राजकोट से एक हैरान करने वाला वीडियो